हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज की मेरी मॉर्निंग जो है वो 4:30 पे हो गई थी और सबसे पहले जैसे कि आपको पता है मैंने पिया था गर्म पानी और अभी मैं कर रही हूँ BSSB की प्रिपरेशन क्योंकि KBS के इंटरव्यू पे जो उसका रिजल्ट है उस पर रोक लग चुकी है। तो हम कर भी क्या सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं। तो या तो आप वेट करते रहो, टेंशन लेते रहो उन सारी चीज़ों के बारे में, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। देखो चीज़ें हमारे हाथ में ही होती हैं, अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोई और हमसे करवाता है या तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होती है। हम जो भी करते हैं वो हमारी खुद के थॉट्स होते हैं, हमारी खुद की मर्जी होती है। तो मैंने कल का वीडियो आपका नहीं आया था क्योंकि एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने आपको बताया भी था कि कोई फैमिली मेम्बर हमारा जो है हॉस्पिटल में है तो रात में कभी कभी रुकना पड़ जाता है, तो इस चक्कर में। और वहाँ से जब आप आते हो तो आते आते भी आपको 12-1 बज जाता है और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला शूट करने का, तो मॉर्निंग का भी स्टडी स्लॉट हुआ नहीं था। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने उसको शूट ही नहीं किया। तो आज मैं सबसे पहले कर रही थी यहाँ पे इंग्लिश की जो आपकी वोकैब होती है उसको। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं DSSB PRT की या DSSB की किसी भी पोस्ट की, तो आपको जो आपकी वोकैब है उस पर अच्छा खासा आपको कमांड होना चाहिए क्योंकि अच्छी खासी वोकैब इसमें जो है CGL लेवल की आपको देखने को मिलती है। और ये जो बुक मैं पढ़ रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये नीतू मैम की बुक है, उसी से मैं वोकैब को कर रही हूँ और इसमें सारी बहुत ही अच्छी वोकैब्स दी गई है। तो उसके बाद मैंने अपनी करेंट अफेयर्स की क्लास करी थी और ये आप घर देख पा रहे होंगे क्योंकि कल यहाँ पे पेंट हुआ था घर पे, तो सारा का सारा सामान फैला हुआ है। और उसके बाद मैं काफ़ी लेट पूरी हुई थी, तो सेकेंड स्लॉट जो है मेरा 2:15 से स्टार्ट होगा। ओके, और उसमें सबसे पहले मैं शेयर करूंगी अपने करेंट अफेयर्स की क्लास को। तो सुफेन, सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारी आज की क्लास का रिवीजन जो कि आप सभी के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था आज का, ICC जो है आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो उसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी, दुबई UAE में इसका हेड क्वार्टर है और ग्रेग बर्कले जो है इसके हेड है, और जो क्रिकेट समिति है उसके अध्यक्ष अभी बनाया गया था सौरभ गांगुली जी को। और उसमें जो है आज का जो क्वेश्चन था वो था सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एप्पल स्टोर जो कि मुंबई में आपका फर्स्ट ओपन हुआ था, उसने जो आईफोन 15 और 15 प्लस जो बनेंगे उसमें निर्माण में सहयोग कौन करेगा, फर्स्ट कंपनी कौन सी है, टाटा। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका POP पोर्टल और उत्साह जो पोर्टल है UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं और 1956 का एक्ट था, 1953 में स्थापना होती है और फर्स्ट जो शिक्षा मंत्री थी उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, अबुल कलाम आजाद थी। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे अजंता एलोरा अवार्ड जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो नानेरा राजस्थान के लिए मिला है। उसके बाद जो है आपका फिल्म फेयर अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी को, और इसमें एक्ट्रेस बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है और बेस्ट एक्टर जो है राजकुमार राव है। उसके बाद है आपका UK एशियन फिल्म अवार्ड जो कि आज का क्वेश्चन था, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है भगवान भरोसे, और साउथ एशियन फिल्म अवार्ड जो कि बेस्ट फिल्म गौरी है और निर्माता है लंकेश। ओके, और उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था गोल्डन ईयर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो रश्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और उसके बाद जो है स्पेयर जो बुक है वो प्रिंस हैरी के द्वारा लिखी गई है और ये इनकी क्या थी, जीवनी है जो कि इनका संघर्ष था इनकी लाइफ का। ओके, और उसके बाद जो है अंबेडकर अलाइफ शशि थरूर जी की पिक्चर वो सॉरी बुक है, और विक्ट्री सिटी सलमान खुर्शीद की है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। और उसके बाद था सिक्स्थ क्वेश्चन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नई अध्यक्ष जो है रवनीत कौर जी उसकी बनाई गई है। संचार साथी पोर्टल जो है अश्वनी वैष्णव जी ने स्टार्ट करा है, लॉन्च किया है इसको, अगर मोबाइल फ़ोन खो जाते हैं तो उनका जो मोबाइल फ़ोन का जो नंबर होता है EMI नंबर उससे मोबाइल फ़ोन का पता लगाने के लिए। उसके बाद है डोयल ब्रिंसन USA के थे जिनका कि निधन हो गया है और ये प्लेयर थे, गॉड फादर ऑफ पोकर इनको बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा मनरेगा, तो मनरेगा का जो कल्याण कोष गठित किया है वो फर्स्ट राज्य केरल है,
और नरेगा ये 2005 के एक्ट से 2 फरवरी 2006 को स्थापना हुई थी। उसके बाद इसका नाम जो है मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में पड़ गया था। मैक्सिमम मजदूरी इसकी जो है वो हरियाणा में है। और अभ्यांगकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे कि ये ग्रामों मतलब गाँव के लिए गारंटी देता है, वैसे ही शहर में सबसे पहली जो योजना थी 2011 में केरल सरकार के द्वारा ही चलाई गई थी। ओके, उसके बाद है ई चिट्स ऐप, चिट फंड कारोबार आंध्र प्रदेश में इन्होंने इस योजना को स्टार्ट किया है। तो यह था आज का करंट अफेयर्स। और अभी मैं फिलहाल पढ़ने जा रही हूँ NCERT, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो है मैंने कल कंप्लीट कर लिया था और अभी मैं करने जा रही हूँ इसका सेकेंड चैप्टर, जो कि आपका है, एक सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड चैप्टर है इसका हमारी पृथ्वी के अंदर, तो इसको आज मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। ओके, और उसके बाद मैं देखती हूँ, शायद आज मुझे साइंस करना है, जो कि मेरी हैंड रिटन नोट्स है, आपको दिखाती हूँ एक बार। ये मेरी साइंस की कॉपी है और इसमें मैंने सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन करी थी, तो उसमें जनरल साइंस है। सारे के सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और मैंने काफ़ी दिन से इसको रिवाइज़ नहीं किया है, तो साइंस में मुझे आ रही थी थोड़ी सी दिक्कत क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैं अब इसको करने वाली हूँ रिवाइज़। आप लोग बता देना अगर आप में से किसी को PDF चाहिए हो, तो मैं इसको PDF फॉर्म में करके और टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ओके, तो मिलती हूँ आपसे पढ़ने के बाद। तो ये थी आज की क्लास और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं रिवीजन इसलिए करा देती हूँ ताकि आप में से अगर कोई ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब टाइम इतना नहीं दे पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उनका एक फटाफट मतलब उनके माइंड में चीज़ें कहीं ना कहीं बनी रहें कि ये हमारा करेंट अफेयर्स है, उसमें कौन कौन से इशूज़ चल रहे हैं इस टाइम पर। तो यही मेरा उद्देश्य होता है इसको कराने का। और उसके बाद अभी मैं कर रही थी यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे NCERT का सेकेंड चैप्टर करना था, तो मैं उसी को कर रही हूँ, जिसमें आपका बताया गया है कि जो आपकी आग्नेय शैल वगैरह हैं वो कैसे बनती हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आपकी आग्नेय अपशादी और आपकी जो मतलब इनका जो चक्र होता है वो कैसे चलता है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से, और सियाल सीमा निफे इस तरीके से जो इनकी परतें होती हैं, भूपरपटी सबसे पतली होती है और उसका जो सबसे अंदर का होता है वो उसका बताया था इन्होंने। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है। NCERT वाकई में बहुत अच्छी है, इसीलिए सभी लोग प्रिफर भी करते हैं कि NCERT को पढ़िएगा। और वो चैप्टर मेरा फिनिश हो गया। उसके बाद मैंने साइंस रिवीजन करा था अपनी खुद के हैंड रिटन नोट से। और इसके बाद करने के बाद मैं बनाऊंगी अपनी शाम की चाय वगैरह। उसके बाद मुझे करना है शाम का अपना जो भी घर का काम होता है। तो ये आज मेरा काफ़ी दिन बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मतलब एकदम अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैंने अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दिया है। और जब मैं स्टडी करती हूँ मैं सच में बहुत मतलब अंदर से मुझे हैप्पीनेस लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टडी से मेरा रिलेशन काफ़ी गहरा हो चुका है पढ़ते पढ़ते। और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, जब मैं पढ़ नहीं पाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन सा फील होने लगता है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, और इसका जो सिलेबस है और जो CDP का है उसके लिए मैं देखती हूँ, वैसे तो मेरे पास हैं 2-3 बुक्स, पर मैं सोच रही हूँ कि रोहित सर की बुक मुझे मंगानी चाहिए या नहीं। आप में से अगर किसी ने ली है रोहित सर की बुक तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं मंगाना चाहती हूँ। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई और भी बुक अच्छी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद ही करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो और मेरी पढ़ाई हो चुकी थी, अब मैं जा रही थी चाय बनाने, क्योंकि और अब मैं काम करते करते करूँगी अपनी सारी प्रैक्टिस जो कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग की करनी होती है। तो ये था मेरा आज का रूटीन। मिलती हूँ कल आप सभी से, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा और एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।